आपको गिवन है डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू डेल वाई ओवर डेल टी और बाउंड्री कंडीशन जो आपको दे रखी है प्लस के साथ में वाई भी दिया हुआ है प्लस के वाई बाउंड्री कंडीशन जो आपको दे रखी है वो ये दे रखी है बेटा वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू ई की पावर 3x 6 इंटू ई टू दी पावर माइनस के 3x और कहना चाह रहा है विच इज बाउंडेड कब है बाउंडेड फॉर जब x ग्रेटर देन जीरो है और t ग्रेटर देन जीरो है इस कंडीशन के ऊपर जो है ये जो y है ये बाउंडेड है ओके चलो मैंने क्या किया मैंने कहा कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड तो इधर ये हुआ l ऑफ डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू इस तरफ बना मेरे पास 2 एल ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी प्लस एल ऑफ वाई ओके मेरे पास जो फार्मूला होता है एल ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी का जरा ध्यान से सुनना एल ऑफ लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको डेल वाई ओवर डेल टी का जो फार्मूला होता है कितना बताया था भाई मैंने बताया था पी वाई बार माइनस वाई ऑफ एक्स जीरो वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो ओके और एल ऑफ वाई को मैंने लिखा था कितना भाई एल ऑफ वाई की वैल्यू ली थी मैंने वाई बार ओके क्लियर एक तो मेरे पास फार्मूला ये था और एक फार्मूला मेरे पास ये था ये वाला फार्मूला था और साथ में मेरे पास तीसरा फार्मूला जो था वो ये था बेटा डेल वाई ओवर डेल एक्स के लिए डेल वाई ओवर डेल एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये कन्वर्ट हो गया था डी वाई बाई डी एक्स के अंदर ये किस में चेंज हो चुका था ये बदला जा चुका था डी वाई बाई डी एक्स के अंदर ओके एक फार्मूला ये था मैंने तीनों फार्मूलों का यूज़ किया तीनों फार्मूलों का यूज़ करने के जस्ट बाद इधर जो बना मेरे पास वो ये बना डी y बार ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये बना मेरे पास 2 इंटू मैंने यहाँ वैल्यू डाली ये मेरे पास निकला पी वाई बार पहला स्टेप माइनस y ऑफ x कोमा जीरो ओके और प्लस ये हो गया y बार क्लियर नो प्रॉब्लम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं एक बात और भी है बेटा बट मेरे को बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू दे रखी है बट वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो की जो वैल्यू दे रखी है एक्स कोमा जीरो की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू ई टू दी पावर माइनस के 3t मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की ये मेरे पास निकल करके कितना आया भाई ये बना डी वाई बार ओवर डी एक्स प्लस बराबर ये हुआ 2p वाई बार माइनस के 2 इंटू 6 मैंने वैल्यू डाल दी e टू दी पावर माइनस के 3t और प्लस के वाई बार क्लियर अब दोनों को मैं दूसरी तरफ लेकर के जा रहा हूँ अगले वाले पेज पे इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे ये बन जाएगा मेरे पास डी वाई बार ओवर डी एक्स माइनस इसके अंदर से और इसके अंदर से वाई बार मैंने कॉमन ले लिया माइनस ये बनेगा 2p प्लस के 1 ध्यान से देखना है आपको 2p प्लस के 1 इंटू वाई बार इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस के 12 e टू दी पावर माइनस के 3t ओके यही बना ना e टू दी पावर माइनस के 3t जो कि मेरे पास कैसी इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ओके दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो आप। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, यानी मेरे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल करके आई है वो ये निकली हुई है बेटा, डी वाई बार ओवर डी एक्स डी वाई बार ओवर डी एक्स, ओके, माइनस टू पी प्लस के वन इंटू वाई बार इज इक्वल टू निकला वाई माइनस के 12 ई टू दी पावर माइनस के 3t, ओके, ई टू दी पावर माइनस के 3t। थोड़ा सा गड़बड़ करता है, इसको दोबारा लिखूंगा, एक मिनट रुको, 12 ई टू दी पावर, अरे गड़बड़ी कर रहा है यार ये, माइनस 3t, क्लियर, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने इसका जो है आपको भी बताया, अगर आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू की यू, अगर ये आपके पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो आप इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे, फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स, ओके, फिर आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आता था वाई गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू आपके पास होता था इंटीग्रेशन ऑफ की यू गुना इंटीग्रल फैक्टर, आपके याद है, और इंटू डी एक्स, ये मेथड होता था ना, मैं डायरेक्ट इसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका इंटीग्रल फैक्टर, यानी आई एफ इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस के, कितना निकला भाई, ये हो गया 2t प्लस के 1, 2 इंटू पी प्लस के 1 इंटू डी एक्स, ओके, आपको बताया x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये निकल करके कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस, ये होगा 2t प्लस के 1, ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं जनरल सॉल्यूशन की जो बात करूँगा, जनरल सॉल्यूशन निकल करके आएगा y बार गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ q गुना इंटीग्रल फैक्टर और इंटू डी एक्स, यही तो होता है ना फार्मूला। तो जैसे ही मैंने वैल्यू डाली y बार, तो ये हुआ आपके पास गुना इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू डाली e टू दी पावर माइनस, ये है 2p प्लस के 1 इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू एक्स, बराबर इस तरह मेरे पास निकल करके आया, ये देखो आप, एक तो है ये माइनस के 12 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस के 3x इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है e टू दी पावर माइनस 2p प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही तो बना ना। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया भाई वो ये हो गया y बार e टू दी पावर माइनस, ये हुआ 2p प्लस 1 इंटू एक्स, बराबर ध्यान से देखना है आपको, इसके लिए एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का यूज़ कर रहा हूँ मैं, c1 माइनस, ध्यान से देखो आप, ये निकला 12 और यहाँ हुआ इंटीग्रेशन, जैसे मैं इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन के अंदर ये निकल करके आया मेरे पास, देखो आप, माइनस 2p प्लस के 4 ई टू दी पावर माइनस 2p होगा और प्लस के 4 होगा, एक तो 3x ये है और एक x इसके साथ लगा हुआ है, ओके, माइनस के 4 सॉरी प्लस के 4 हो जाएगा ये और इंटू x हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, और इंटू होगा dx, ओके, देखो आप, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बेटे ये t नहीं है, ये x है, एक मिनट पीछे करते हैं अभी, ये देखो यहाँ पर e टू दी पावर 6 x है, मैंने गलती से t लिख दिया ये, ओके, एक बार फिर पीछे देखते हैं, यहाँ ये t नहीं है, ये देखो जैसे मैं बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ जरा सी बाउंड्री कंडीशन ये गलती कर दी है, ये x है, कितना क्या है यहाँ पे, ये दिस इज x, क्वेश्चन के अंदर देखो आप, मैं भी देख रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है, यहाँ से देखो दिस इज x एंड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, दिस इज, ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी,
एक्स, ये एक्स है यहाँ पर एक्स, और ये प्लस के है वाई बार। क्लियर है ना। अगले वाले पेज पर देखता हूँ, यहाँ भी जरा सी गलती हो रखी है, ये एक्स है मेरे पास, यानी ये जो है मेरे पास कितना है ये वाला थ्री, ये दिस इज एक्स। ओके अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ रखे बिल्कुल क्लियर। अगले वाले पेज पर चलते हैं। तो भाई यहाँ से जो मेरे पास निकल कर के आया वो ये निकला वाई बार, वाई बार इंटू ए टू द पावर माइनस टू बी प्लस वन इंटू एक्स, टू पी प्लस के वन इंटू एक्स बराबर, उधर इंटीग्रेशन में क्या निकला, सबसे पहले मैंने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लगा दिया सी माइनस के, ये हुआ 12, और इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ये निकला हुआ था टू पी प्लस के फोर, टू पी प्लस के फोर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, यही था ना। आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी जो की तो चल ही रही है बराबर, ये तो हो गया c माइनस, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा सीधी सी बात है ये निकल कर के आएगा 12 बटे 2 बटे, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद जो है ये हो जाएगा p प्लस के 2, ध्यान से देखना है 2p प्लस 4 को लिखा है मैंने, और इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है जो का 2 पी प्लस के 4। ओके आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स जो होता है वो होता है e टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई उसका कोफिशेंट a। ओके तो a को जो है मैंने 2 कॉमन लेकर के इसको 6 कर दिया है, यहाँ पर ये मैं कैंसिल कर दिया, इधर मेरे पास जो बना इधर तो मेरे पास चल ही रहा है, ये कितना चल रहा है भाई, ये हो गया वाई बार, ये हुआ मेरे पास वाई बार, तो ये है ही e टू दी पावर माइनस ये 2p प्लस के 1 इंटू एक्स बराबर, इस तरफ मेरे पास c1 माइनस के 6, और ये है मेरे पास कितना p प्लस के 2। क्लियर रहना यहाँ तक के, और इंटू ई टू दी पावर कितना है, यहाँ x है ये e टू दी पावर मेरे पास है e टू दी पावर माइनस 2p प्लस के 4। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने क्या करा भाई, मैंने यहाँ से y बार की वैल्यू निकाली, y बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी y बार इक्वल टू होगा ये होगा c इंटू ई टू दी पावर कितने हो जाएगा, ई टू दी पावर ये हो जाएगा 2p प्लस के 1 हो जाएगा। ओके माइनस ये होगा 6 बटे, एक मिनट माइनस से भी ये प्लस होगा, देखो हम यहाँ प्लस चल रहा है, रुको एक मिनट जरा सी गलती कर रहा हूँ मैं, और भी जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इंटीग्रेट करने के जस्ट बाद जो है यहाँ से तो माइनस तो है ये, लेकिन ये माइनस जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, देखो आप ये यहाँ से प्लस होगा, ऊपर तो माइनस ही रहेगा, ये यहाँ तो रहेगा ये माइनस ही। ओके लेकिन जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। ओके और ये हो जाएगा प्लस प्लस 6 बटे, ये हो जाएगा p प्लस के 2, और यहाँ मेरे पास जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा डिवाइड करने के बाद सीधे का सीधा मैं डायरेक्ट करता हूँ e टू दी पावर बनेगा कितना माइनस 3x, देख लो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये बता रहा हूँ अभी, यहाँ है e टू दी पावर माइनस के 2p है माइनस के 4 है, इसके बटे में पहुँचा e टू दी पावर माइनस के 2p पहुँचा, x तो है ही साथ में, ये x तो चल ही रहा है, इस x का तो कोई गोल ही नहीं है 2p, और फिर 2p प्लस के 1 पहुँचा और ये आया x, जब इससे जो है 2p से तो 2p कैंसिल हो जाएगा। ओके ये फाइनली आएगा निकल करके e टू दी पावर माइनस के 4x, तो ऊपर होगा ये गुणा में x भी है ना इसके यहाँ, ओके बटे नीचे होगा e टू दी पावर माइनस के x, एक पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, फाइनली निकलेगा e टू दी पावर 3x, यही बनेगा ना, वही मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से मेरे पास फाइनली जो निकल कर के आया भाई y बार इज इक्वल टू यू वा c इंटू ई टू दी पावर कितना निकला 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 इंटू एक्स ये बना प्लस के 6 बटे p प्लस के 2 ये हुआ, और e टू दी पावर कितना हुआ माइनस के 3x, माइनस के 3x ये हो गया ना। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विच इज बाउंडेड व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, इस पॉइंट को देखो आप,
ओके, ये वाला पॉइंट मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो मेरा जहाँ ये रेड रेड है, कह रहा है कि ये वाई जो है ना बाउंडेड है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी है। ओके, तो इसका मतलब ये निकलता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वाई जो है, वाई ऑफ एक्स टी जो है वो क्या है, एक्स टी ये है बाउंडेड है, यानी इसके कोई फाइनाइट वैल्यू है, बाउंडेड का मतलब ये होता है। ओके, बाउंडेड है जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब देखो बेटा इस चीज़ को सोच करके देखो आप जरा। ओके, अगर एक्स की वैल्यू ये बाउंडेड है, ये क्या है, ये वाला फंक्शन जो है वाई ऑफ एक्स टी ये बाउंडेड है। ओके, जब एक्स किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जरा इसमें एक्स को इन्फिनिटी डाल करके देखो, आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू देखो, अभी इससे कनेक्ट है, 10 मिनट के बाद दूंगा। आप यहाँ से जो है ना, अगर ये बाउंडेड फंक्शन है, आप इसकी वैल्यू कोई भी डाल करके देखो, कुछ भी जो आपका दिल चाहता है, ठीक है ना। जरा इस चीज़ पहले इधर देखो आप, अगर ये बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है इसको एक्स को मैं इन्फिनिटी डाल दूंगा, तो इस तरफ मेरे पास कितना निकल करके आएगा, ये सी गुना ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, क्लियर है ना। प्लस प्लस ये होगा मेरे पास 6 गुना ई टू द पावर, ये देखो आप, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी ये कितना हो जाएगा 0, यानी ये पूरे का पूरा स्टेप तो हो गया 0, और ये वाला पूरे का पूरा स्टेप हो गया कितना, इन्फिनिटी, क्लियर है ना। इधर मेरे पास क्या है, ये तो बाउंडेड है, ओके ये बाउंडेड है, ओके यानी अगर ये बाउंडेड है तो ये कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, कोई ना कोई लेफ्ट हैंड साइड में फाइनाइट क्वांटिटी है। अब देखो आप मैथमेटिक्स का इस तरह, मान लिया बाउंडेड एम है, इसकी वैल्यू जो है ना सपोज दैट एम है, ओके ये बाउंडेड कब होगा भाई, ये इन्फिनिटी है टोटल की टोटल, ये वैल्यू तो लेफ्ट, ये तो वाली, ये वाली वैल्यू तो इन्फिनिटी है, ये की पावर इन्फिनिटी से ये वैल्यू 0 है, यानी एक तरफ से आप, आपके पास आ रहा है 0 प्लस इन्फिनिटी, बराबर उस तरफ जा रहा है बाउंडेड अगर है तो, मान लिया सपोज दैट बाउंडेड वैल्यू एम है तो इन्फिनिटी तो एम के बराबर नहीं हो सकता भाई, इस तरफ तो बाउंड, इस तरफ तो फाइनाइट वैल्यू है, बाउंडेड का मतलब फाइनाइट, इस तरफ इनफाइनाइट है, क्या कोई फाइनाइट क्वांटिटी इनफाइनाइट क्वांटिटी के बराबर हो सकती है, मैथमेटिकली दिस इज इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट के बराबर तो होता ही नहीं, फाइनाइट फाइनाइट के बराबर होगा। ओके, कोई भी एक्स वाई के बराबर हो सकता है, एक्स वाई के बराबर हो सकता है, अगर एक्स भी फाइनाइट हो वाई भी फाइनाइट हो, मैथमेटिकली दिस इज अनवैलिड, तो ये तभी पॉसिबल है, ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है अगर एम की वैल्यू 0 हो। ओके, अगर सपोज दैट इस तरफ 0 हो जाए या कोई भी कॉन्स्टेंट हो जाए, ओके और इस तरफ जो है ये वैल्यू तो जो है ना कभी भी, अगर इस तरफ 0 हो रहा है तो इस तरफ जो है ना फिर भी इन्फिनिटी बन रहा है, अर्थात कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है सिवाय एक पॉसिबिलिटी के, अगर ये वाली वैल्यू इस तरफ की फाइनाइट वैल्यू इसकी 0 हो जाए और इधर सी 0 के बराबर हो जाए, अगर इधर सी, ये सी भी 0 के बराबर हो जाए राइट हैंड साइड वाला, तो तब मैं कह सकता हूँ सी गुना इन्फिनिटी माइनस के 0, अर्थात इस पोजीशन के अलावा कोई दूसरी पोजीशन इन्फिनिट मैथमेटिकली वैलिड नहीं हो पा रही। देखो आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर देखो क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाई ऑफ एक्स टी जो है ना ये बाउंडेड दे रखा है, बाउंडेड का मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू, आपने इसको एम मान लिया, चलो भाई मैंने एम मान लिया, राइट हैंड साइड में कहते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 की दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब इनफाइनाइट, जब मैं वैल्यू यहाँ डालूंगा सी तो जो का दूँ ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आपको भी बताया, मैंने भी बताई थी, ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट बराबर होता है 1/e^(i)), और ई टू द पावर इन्फाइनाइट का मतलब 1/(i)^0, ये तो 0 हो गई, ये इन्फाइनाइट होगी, फाइनली कितना निकला, ये टोटल इधर का इन्फाइनाइट निकल गया, इधर का फाइनाइट है, यानी फाइनाइट बराबर आ रहा है इनफाइनाइट के, मैथमेटिकली दिस इज अनवैलिड, अगर इधर कोई भी वैल्यू फाइनाइट है तो इधर भी फाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन सी की वजह से फाइनाइट, सी की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस इनफाइनाइट की वजह से इनफाइनाइट बन रही है हमारे। ओके, तो इसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर सी बराबर 0 हो ना, सी बराबर 0 हो और एम बराबर 0 हो, तब मैथमेटिकली ये वैलिड हो पा रहा है, और ओके सो दैट, सो दिस इज पॉसिबल ओनली कब, जब सी इज इक्वल टू 0 हो। ओके, अगर सी इज इक्वल टू 0 है, ये पूरे का पूरा स्टेप 0 के बराबर हो जाएगा, तो उस पोजिशन में वाई बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी, वाई बार इज इक्वल टू निकलेगा 6/(t+k)2 होगा, और ई टू दी पावर माइनस के 3x होगा, क्लियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है और शायद आपकी समझ में भी आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया वाई बार की वैल्यू जो निकल करके आई, वो निकल करके आई 6/(p+k)2 निकली, p+k)2 निकली, और इंटू ई टू दी पावर कितना निकला, ई टू दी पावर माइनस के 3x निकला। मैंने एल इनवर्स लिया बोथ साइड, यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, इधर बना एल इनवर्स एल ऑफ वाई, ओके बराबर इधर बना एल इनवर्स, ये हुआ p+k)2 और ई टू दी पावर माइनस के 3x,
आप तो समझते हो इस चीज को। ओके तो जब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा, ये तो इधर से तो खत्म, वाई इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6। इसका तो e टू दी पावर की फॉर्म में जाएगा ना भाई, e टू दी पावर कितना होगा, e टू दी पावर माइनस के 2t बनेगा ना, पॉजिटिव है, और गुणा e टू दी पावर माइनस के 3x। भाई ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, ये पूरे का पूरा स्टेप तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा लाप्लास लेते ही, ये तो जूं का तू रखा जाएगा। ओके और इसका वन अपॉन पी प्लस के 2, इसका जो इन्वर्स लाप्लास होगा आपको भी पता है कितना होगा, e टू दी पावर माइनस 3 2t हो जाएगा, वही मैंने यहाँ रख दिया। तो y की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली, 6 इंटू e टू दी पावर माइनस के 2t माइनस के 2t और माइनस के 3x। ओके और यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके ये जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़े ध्यान से देखना है, गलती मत कर देना, आप एमएससी के स्टूडेंट हो अब, समझ आती है बात। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।